नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के ब्रिस्टिक चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एमएस एक्सेल में फिल्टर का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। फिल्टर का यूज बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जिस आपके काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप कैसे यूज करेंगे फिल्टर का। देखिए, मान लीजिए आपने ऐसी कोई टेबल बनाई, ठीक। अब आप इसमें चाहते हैं फिल्टर सेट करना, ताकि आपको मान लीजिए कोई भी लोकेशन देकर उस एरिया से लोगों को जानना है कि उस एरिया से कितने लोग हैं। मतलब इस वाले लिस्ट में अगर आप देना चाहते हैं, जैसे कि इसमें कि अगर टोटल 6034 कितने लोग पाए हैं, ठीक। या कि इसमें आप जानना चाहते हैं सेल्स तो में 200 रुपये वाले कितने लोग हैं, वैसे गिनेंगे तो पता नहीं किया होता है कि नहीं। इसमें आप जानना चाहते हैं कि इसमें एक ही नाम के व्यक्ति कितने लोग हैं, इसमें आईडी यूनिक तो नहीं है, या किस एरिया से कौन कौन से लोग हैं, एक ही एरिया से कितने लोग हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको फिल्टर ऑप्शन क्या हो सकता होती है, तो आप सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। फिर ये डाटा ऑप्शन में आपको एक फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कि आपके इसमें बटन सा दिखने लगेगा कि फिल्टर लगा हुआ है, ये साइज में आ जाएगी। जैसे ही आप देखिए दोस्तों, अब जैसे ही इसमें देखिए, इस सारी सभी में फिल्टर बटन लग चुकी है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर पे, तो ये आपसे पूछता है, ये नंबर फिल्टर में जाइए, कि आपको इक्वल चाहिए कि उसके बराबर, कि डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक। जो भी आपको, सबसे पहले मैं इक्वल देख लेता हूँ, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये टेक्स्ट फिल्टर इक्वल, इक्वल पे हमने क्या लिख दिया, सीधी सीधी से कितने लोग हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा। ये देखिए, सिर्फ इसमें सीधी से रिलेटेड लोगों को ही दिखाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि इसमें, ठीक, इस पर राइट क्लिक किया हमने, लेस देन या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हम कितना लिखे दे रहे हैं, 1000 रुपये। 1000 से जितने भी ज़्यादा होंगे उनकी लिस्ट दिखाएगा। ये देखिए सेल्स जो 1000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि 1000 से कम कितने लोगों की है सैलरी, मतलब जो सेल्स करके आए हैं, ठीक। ये लेस देन 1000, ठीक। ओके करिए, कितने लोगों की लिस्ट दिखा रही है, जितने लोग हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप फिल्टर्स का यूज करते हैं। अब इसमें सॉर्टिंग का यूज हम बता देते हैं कि सॉर्टिंग का यूज आप किस तरह से करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक सिलेक्ट कर लिया, ठीक, ये सॉर्ट ऑप्शन है। सॉर्ट ऑप्शन का तात्पर्य यह होता है कि आप ए टू जेड करना चाहते हैं या जेड टू ए, ठीक। आप इस पर क्लिक करें और फिर ये सॉर्ट जेड में ये सॉर्ट, कि सबसे पहले आपको ए टू जेड देता है, कि जेड टू ए आप कैसे करना चाहते हैं, ये देखिए ओके कर देंगे तो ये जेड टू ए हो जाएगा। सब का नाम, जितने लोग हैं, तो जैसे जेड के पहले वाई आता है, फिर यस, फिर आर, जे, ठीक। और आप चाहते हैं यदि ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको फिर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और जेड ए टू जेड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए ए के बाद बी आता है, उस हिसाब से बाई सबसे नीचे आ गया। इसी तरह से हर जगह कर सकते हैं दोस्तों, उसी से रिलेटेड आपको पूरी चीज़ें दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एमएस एक्सेल में सॉर्टिंग और फिल्टर का यूज किया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और आपकी यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं उस समस्या के समाधान के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।